नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र द्विवेदी, आप सभी का कुशाग्राही चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम सिंधु सभ्यता को पढ़ रहे थे और हमने ये देखा कि नगरीकृत सभ्यता है, कांसा धातु का उपयोग हुआ है इसलिए उसको कांस्युगीन सभ्यता बोला गया। हड़प्पा पहला स्थल था जब खोजा गया तो उसको हड़प्पा सभ्यता कहा। सिंधु सभ्यता कहा क्योंकि सिंधु नदी के आसपास बहुत सारे स्थल मिले हैं। सिंधु सरस्वती सभ्यता, ये सब हमने आपको बताया कि वहाँ भी आपको 1100 के स्थल मिले हैं और हमने मानचित्र पर सबको आपको क्लियर किया है। और उसके साथ साथ हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता को भी बताया कहाँ है, मानचित्र में भी क्लियर कराया। और जो भी तथ्य एग्जाम में पूछे जाने संबंधित थे सिंधु सभ्यता से वो भी आपको कराए। हमें आज इसका देखना है कि हड़प्पा सभ्यता के उद्भव को लेकर भी मतभेद है। कुछ विद्वान या साम्राज्यवादी विद्वान या विदेशी विद्वान हमेशा इसको विदेशी कहते हैं कि जो सिंधु सभ्यता है वो विदेशी सभ्यता का ही कॉपी हुई है, और जो भारतीय है या राष्ट्रवादी जो लेखक है वो इसको सिद्ध करते हैं कि ये जितने भी हमें प्रमाण मिले हैं वो सब सिंधु सभ्यता के हैं। तो इसमें क्या है, एक मतभेद है, तो वो हम क्लियर करेंगे। कौन से वो इतिहासकार हैं जो इसको क्या कहते हैं, विदेशी मत देते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है वो विदेशी है, और जो कुछ देसी मत देते हैं तो हम उन विद्वानों को क्लियर करेंगे। कौन से विद्वान विदेशी मत का समर्थन करते हैं, कौन से विद्वान देसी मत का समर्थन करते हैं, और वो अपने समर्थन में क्या क्या बातें रखते हैं, है ना। और एकाध विद्वान वो भी है जो ये कहते हैं कि ये तीनों सभ्यता एक ही थी, तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे। और ये भी देखेंगे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु सभ्यता में किस प्रकार असमानताएँ थीं। भाई सेम हैं तो सेम दिखना चाहिए, केवल एक तत्व धातु दिख जाए उससे आप ये नहीं कह सकते हैं कि पूरी सभ्यता सेम ही है, ठीक। इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके बाद देखेंगे सिंधु सभ्यता के तिथियों का, तिथियों जो लिखी गई हैं, कोई कहता है ये 2750 से, है ना, 2350 के मध्य है, कोई 2500 से 1500, है ना। इन पर भी मतभेद है विद्वानों के, तो उसको भी स्पष्ट करेंगे कि फिर सर्वमान मत क्या माना जाए। और इनके मूल निवासियों पर भी शक होता है, कोई कहता है भूमध्य सागरीय है, अल्पाइन है, मंगोलाइड है, तो कौन है और क्या है, इस पर विद्वानों का मतभेद है, तो उन मतभेदों की भी चर्चा करेंगे। इसके बाद हम महत्वपूर्ण जो स्थल सिंधु सभ्यता में खोजे गए उस पर भी सब डिस्कस होगा, और हड़प्पा को भी हम पढ़ेंगे। तो अभी जो भी पढ़ते हैं, हम पढ़ रहे हैं पहले विदेशी मत और देसी मत। कौन कौन से वो लेखक या विद्वान हैं, इतिहासकार, जो विदेशी मत का समर्थन करते हैं, और कौन से वो विद्वान हैं जो देसी मत का समर्थन करते हैं, और समर्थन में कौन कौन से साक्ष्य उपलब्ध कराते हैं। तो पहले हड़प्पा सभ्यता का उद्भव की बात है, इस पर क्या है, मतभेद है। मतभेद दो प्रकारों से है, एक विदेशी मत, तो आप लिखेंगे विदेशी मत, और एक है देसी मत। देसी मत में कौन कौन से लेखक हैं, इतिहासकार हैं, और कौन आपके विदेशी मत। विदेशी मत से उनका आशय क्या है कि मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता ही का ही क्या है, आपकी सिंधु सभ्यता है, ठीक है। तो इसमें कुछ जो विद्वान हैं जो विदेशी मत का सपोर्ट करते हैं उनके बारे में लिखेंगे। तो मॉन्टिमर व्हीलर साहब हैं, मॉन्टिमर व्हीलर, व्हीलर आपके मैके हो गए, गार्डन चाइल्ड हो गए। अच्छा, ये जो विद्वान हम लिखा रहे हैं इनके, इनको भी आपको जानना है कि ये किससे संबंधित है। जैसे अभी आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ भी बहुत सारे विद्वान देखने को मिलेंगे, जब आप इंडिया मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे तो वहाँ भी बहुत सारे इतिहासकार देखने को मिलेंगे, तो आपको इतिहासकार से ही पता चल जाएगा कि ये किस कहाँ किससे संबंधित है, ठीक है। गार्डन चाइल्ड, गार्डन चाइल्ड, आप कल से गार्डन चाइल्ड का नाम सुन रहे हो बार बार, है ना, मॉन्टी व्हीलर का नाम सुन रहे हो, जॉन मार्शल का, ये जितने भी नाम आपके चल रहे हैं ये सब आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं, ये आपको सिंधु सभ्यता एंशिएंट हिस्ट्री में देखने को मिल रहे हैं। तो गार्डन चाइल्ड हो गए, और एक हो गए आपके मैके। ये जो है विद्वान ये देसी विदेशी मत का क्या कर रहे हैं, समर्थन कर रहे हैं तीनों ही। और जब जब समर्थन कर रहे हैं तो कुछ प्रूफ भी दे रहे होंगे। तो इन्होंने कहा कि जो आप सिंधु सभ्यता में अन्नागार मिले हैं वो हमारे यहाँ से कॉपी किए गए हैं, और जो चबूतरा है उसको भी कॉपी किया है, ऐसा इनका कहना है, ठीक है। तो देखते हैं इन्होंने क्या कहा।
इन्होंने साक्ष्य के रूप में कहा कि अन्नागार, अन्नागार क्या होते हैं, जहां आप स्टोरेज बनाते हैं उसको क्या किया है, कॉपी किया है। तो उन्होंने कहा है अन्नागार, अन्नागार को कॉपी किया है। एक प्रूफ तो ये रखते हैं, दूसरा प्रूफ ये देते हैं चबूतरे को कि हमारे जैसे सुमेरियन सभ्यता में चबूतरे हैं वैसे ही चबूतरे आपके यहाँ हैं, ऐसा कहते हैं। जबकि उनके चबूतरे में अंतर है, वो अंतर अभी हम आपको क्लियर बताते हैं। उनके चबूतरे में ऊपर सकरा भाग है और नीचे चौड़ा होता गया है, इस टाइप से नीचे चौड़ा है ऊपर की तरफ वो क्या होता गया है, सकरा होता गया है। और इसको स्पेशल नाम भी बोलते हैं जुगुरुत, जुगुरुत, जुग जुगुरुत। और ये एक चौतरा है, और ये चौतरा कहाँ का है, ये चौतरा आपका सुमेरियन सभ्यता का है। और उनका मानना है कि ये सब ये कॉपी किए गए हैं, जबकि आपने जो चौतरे देखे हैं गांव में देखे होंगे दरवाजे के अगल बगल बनते हैं, और अब तो बंद हो गए हैं, पहले आप ग्रामीण सभ्यता में देखते हैं वो बड़े काफ़ी बड़े चौतरे भी आपने देखे होंगे। तो विदेशी मत का ये दोनों ने साक्ष्य उपलब्ध कराए। अब देशी विद्वान कौन से हैं जिनको आप राष्ट्रवादी विद्वान कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं, उनमें सबसे बढ़िया नाम डीपी अग्रवाल अमलानंद घोष का है। तो डीपी अग्रवाल, यहाँ पहले वो विद्वान के नाम लिख लें आप, डीपी अग्रवाल, डीपी अग्रवाल, डीपी अग्रवाल साहब कहते हैं कि जो बर्तन है सिंधु घाटी सभ्यता में, उन बर्तनों पर पीपल के वृक्ष, रस्सियों के निशान या रस्सियों की डिजाइन के बर्तन है, तो इससे सिद्ध होता है कि पीपल की वृक्ष की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता में हुई है ना, क्योंकि यहाँ उर्वरक की देवी, पीपल के वृक्ष, इन सब की यहाँ पूजा हुई है। और जब इनके निशान बर्तनों पर है, रस्सी के निशान बर्तनों पर है, तो इससे सिद्ध होता है कि ये सब जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है, देसी सभ्यता है। तो इनने क्या रखी बातें, पीपल के वृक्ष और रस्सी के, पहले आप लिख लें आप पीपल वृक्ष कौमा रस्सी के निशान, बर्तनों पर है, बर्तनों पर है, इसलिए ये क्या है, देसी है। और एक और विद्वान हुए आपके अमलानंद घोष, अमलानंद घोष ने कहा है कि बीकानेर की जो सोती संस्कृति है, जो हमने कल पढ़ाई थी आपको, सोती संस्कृति है ना, जो हड़प्पा पूर्व थी, और इसका ही क्या है, विकसित रूप है, ठीक है ना। तो यहां लिखेंगे आप अमलानंद घोष, अमला नंद घोष, इन्होंने क्या बात कही कि बीकानेर की सोती संस्कृति ही आपकी हड़प्पा सभ्यता है। तो लिखेंगे बीकानेर के सोती, सोती संस्कृति, सोती संस्कृति का विकसित रूप है, विकसित रूप है, ठीक। ये हो गए कुछ आपके देसी विद्वान। अब यहाँ पे नोट लिखें आप, नीचे लिखेंगे आप लोग, हम यहाँ बोर्ड पर लिख रहे हैं, नोट में लिखेंगे एक विद्वान है आपके डीडी कौसाम्बी, इन्होंने कहा है कि तीनों सभ्यताएं जो हैं वो एक ही हैं, तो ध्यान रखना है, इन्होंने ही कहा है ये बात। तो लिखेंगे आप डीडी कौसाम्बी, इन्होंने क्या क्या है, तीनों ही सभ्यता, तीनों मतलब सुमेरियन सभ्यता, मिश्र सभ्यता और आपकी सिंधु घाटी सभ्यता, तीनों सभ्यता एक ही है और इनका एक ही है। इन्होंने किस आधार पर कहा, क्योंकि तीनों ही सभ्यता में क्या उपयोग हुआ है, कहां सा यूज हुआ है, इसलिए इन्होंने कहा है तीनों ही सभ्यताओं में, तीनों ही सभ्यताओं में कांस का उपयोग हुआ है, कांस धातु का प्रयोग हुआ है या उपयोग हुआ है, ठीक। अब एक एग्जांपल और लिखेंगे नोट पे, फेयर सर्विस, फेयर सर्विस महोदय ने कहा है कि जो बलूचिस्तान में आपकी नाल है ना, आपकी कुल्ली और आपका राणा घुंडी, ये सभ्यताएं हैं, इनका ही विकसित रूप क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है ना। इन्होंने बताया कि सिंध में आपकी आमरी
और कोडदिजी जो ये सभ्यता है या जो है इसी का ही विकसित रूप क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता है। ठीक, और जो आपके फेयर सर्वे से ये पति पत्नी ही क्या थे, ये आपके इतिहासकार थे और उत्खनन सर्वेक्षण विभाग में से संबंधित हैं। तो आप एक पॉइंट इनके बारे में भी आप लिख लें, इसको मिटा लें, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। एक और नोट पे, नोट में हमने एक पॉइंट लिखाया है, एक और लिखा देते हैं आपको। तो दूसरा पॉइंट हम नोट पे इसको रफ करने के बाद लिखाते हैं, फेयर सर्विस के मत के अनुसार कि पूछा जा सकता है कभी भी कि फेयर सर्विस ने क्या मत दिया था। क्या लिखेंगे आप, नोट दूसरा लिखा रहे हैं, आप जनरल पॉइंट भी लिख सकते हैं। फेयर सर्वेश ने बलूचिस्तान बलूचिस्तान में नाल कौमा कुल्ली राणा घुंडाई, इस राणा घुंडाई तथा सिंध में आमरी कोट दीजी सभ्यताओं का विकसित रूप है, सभ्यताओं का विकसित रूप है, विकसित रूप है। तो ये दो चीजें क्या है, जो फेयर सर्विस महोदय हैं ये क्या करते हैं, ये आपको बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है या सिंधु सभ्यता का जो उद्भव हुआ है वो आपका देसी मत का समर्थन ये लोग भी करते हैं। ठीक, इसको भी आप लिख लें। अब हमें दो चीजें और क्लियर करना है यहाँ कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता में असमानता है, एक नहीं है। तो इसको हम अभी और प्रूव करेंगे और आप अंतर भी दोनों में जान जाएंगे। तो एक साइड आप लिखें मेसोपोटामिया की सभ्यता और एक साइड लिखें हड़प्पा की सभ्यता, और दोनों में असमानता है। यहां लिखेंगे आप मेसोपोटामिया इसी को क्या बोलते हैं, सुमेरियन सभ्यता, एक साइड आप ये लिखेंगे, एक साइड क्या लिखेंगे हड़प्पा सभ्यता। अब दोनों में अंतर देखना है। तो पहले क्या देखोगे, यहां जो लिपि है वो किलाक्षर लिपि है और यहां की जो लिपि है वो कैसी है, भाव चित्रात्मक है। ठीक है, इसको पढ़ नहीं पाए, भाव मतलब कोई भी डायग्राम बना होगा, हिरण बना होगा, उसको कोई मारते हुए देखा होगा, यानी जो भी चित्रकारी है या लिपि है वो भाव में है, चित्रात्मक भी कहते हैं उसको। तो लिपि है पहला अंतर, तो आप लिपि में ही देखें। यहां लिपि कौन सी, यहां किलाक्षर, किलाक्षर लिपि होती कैसी है, आप इसको समझने के लिए इस टाइप से कुछ ऐसे साइन टाइप बने होते हैं। ठीक है ना, ऐसा कुछ जो बने होते हैं, ये क्या होती है, किलाक्षर लिपि होती है। और यहां लिपि कैसी है, भाव चित्रात्मक, भाव चित्रात्मक। तो पहला अंतर तो यही हो गया, लिपि कहां सेम है, तो कैसे कह सकते हो कि तीनों ही एक ही सब बताती। फिर नगर नियोजन पर बात कर ले आप, नगर नियोजन, नगर नियोजन तो यहां नगर नियोजन कैसा है, कम विकसित है, कम विकसित है। और यहां यहां कैसा है, अधिक विकसित है। तो कैसे, यहां के लोग यहां आए हों कि यहां के यहां गए हों, विकसित कौन है, विकसित है सिंधु सभ्यता के लोग, अधिक विकसित। अधिक विकसित, अब ईंटों पे बात कर ले, तो यहां कच्ची ईंटें हैं और यहां पक्की ईंटें हैं, आप अंतर से ही क्लियर हो जाएगा कितना अंतर है दोनों में।
ईट, ईट यहाँ कैसी है? कच्ची, और यहाँ ईट पकी ईट है। ठीक, अब मोहरों की बात कर ले आप, ये चार अंतर आपके यहाँ पर्याप्त है। मोहर, मोहर यहाँ है कैसी? बेलनाकार, बेलनाकार। और सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरें कैसी हैं? चौकोर। ठीक, चौकोर। अब और एक और देखा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले जबकि यहां मिले, तो ये भी आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो अब इनमें कैसे तुलना की जा सकती है कि सिंधु घाटी सभ्यता विदेशी है जबकि यहाँ ज्यादा विकसित है, आप देख रहे हो अधिक विकसित है, पक्की ईंटें हैं, तो कैसे? ठीक है ना, केवल धातु से ही नहीं पूरा होता है। अब हमें क्या देखना है, कुछ तिथियों पर भी क्या है या काल क्रम निर्धारण पर भी बहुत सारे मतभेद हैं, उसको भी हमें देखना है, क्योंकि ये सब जितना भी हम पढ़ा रहे हैं एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना, कि मेसोपोटामिया की जो लिपि है वो कौन सी है, मेसोपोटामिया की मोहरों के आकार कैसे हैं, ईंटें कैसी प्रयोग होती थी, तो सब यहाँ पूछा जाता है। और जब आप हिस्ट्री के क्वेश्चंस लगाते होंगे और आप वीडियो को देखें और फिर आप आंसर क्वेश्चंस लगाएं। अगली हेडिंग डालें, काल क्रम या काल निर्धारण, क्या लिखेंगे आप? काल, पहले अभी मिटा दे ऊपर वाला, काल क्रम या काल निर्धारण भी इसे समझ। काल निर्धारण देखें, पहले हम क्या देखेंगे, तीन चरणों में काल निर्धारण देखेंगे, पूर्व हड़प्पाई काल, परिपक्व हड़प्पाई काल और उत्तर हड़प्पाई काल, इन तीनों के में हम देखेंगे। तो पहले देखें आप पूर्व हड़प्पाई काल, पूर्व हड़प्पाई काल, पूर्व हड़प्पाई काल का समय बताया गया है 3500 बीसी से लेके आपके 2600 बीसी के मध्य, 3500 बीसी से 2600 बीसी के मध्य। ठीक, ये पूर्व हड़प्पाई काल बताया गया है। अब परिपक्व हड़प्पाई चरण कौन सा है, इसको चरण भी लिख सकते हैं आप, पूर्व हड़प्पाई चरण तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये तीनों जो चरण हम लिखा रहे हैं ये कहीं ना कहीं कार्बन विधि के चरणों में ही गिने जाते हैं। तो ये हो गया आपका पहला, दूसरा लिखेंगे आप परिपक्व, परिपक्व हड़प्पाई चरण, परिपक्व हड़प्पाई चरण जो है वो है 2600 बीसी से आपका 1900 बीसी के मध्य। ठीक है, और उत्तर हड़प्पाई चरण, पर हड़प्पाई चरण ये होता है 1900 से बीसी से लेके 1300 बीसी के बाद, 1900 बीसी से 1300 बीसी, और आप यहां लिख लो आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे, रेडियो कारण विधि के चरण, रेडियो कार्बन विधि के तीन चरण। ठीक है, इसके बाद आप नीचे लिखेंगे इसके कि सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण को लेकर विद्वानों में भी क्या है, मतभेद है। यानी विद्वान, कोई विद्वान कहता है, जैसे जॉन मॉर्सल जी कहते हैं 3250 से लेके आपका 2750 बीसी के मध्य, और जो हम चार विद्वान जो आपको लिखाएंगे जो आईएएस पूछ चुका क्वेश्चन है। ठीक है ना, और फिर चार विद्वानों के अलावा सर्वाधिक या सर्वमान्य मत जिसको माना जाता है, तो वो है आपका कार्बन विधि, जिसको हम 2350 से लेके 1750 लिखेंगे। ठीक है, तो एक बार ये मिलाने के लिए आ गया था आपके, तो आप हेडिंग क्या डालेंगे, सिंधु सभ्यता के
काल निर्धारण को लेके विद्वानों में मतभेद। और ये भी आपने लिख लिया, पूर्व हड़प्पाई चरण का काल कौन सा है, परिपक्व हड़प्पा का कौन सा है, ये भी आपने ध्यान रखा। क्या लिखेंगे आप, एक हेडिंग सिंधु सभ्यता के, सिंधु सभ्यता के काल निर्धारण, काल निर्धारण को लेकर मतभेद, को लेकर मतभेद। अब क्या मतभेद है उसको देखते हैं। तो पहले विद्वान का नाम लिखते हैं आप, इनका नाम है सर जॉन मार्शल, और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है, सर जॉन मार्शल। इन्होंने समय 2750 से 2750 बताया है कि सिंधु सभ्यता इतने के बीच में रही होगी। क्लियर। इसके बाद है सर मॉन्टिमर व्हीलर, सर मॉन्टिमर व्हीलर, इन्होंने समय बताया है आपका 2500 से लेके 1500, 2500 से लेके 1500 BC। इसके बाद आए आपके पेयर सर्विस, पेयर सर्विस जिन्हें समय बताया आपका 2000 से लेके 1500, 2000 से लेके 1500 BC के मध्य। ठीक है, अब बचे मैके साहब, जो 2800 से 2500 बताएंगे। मैके महोदय 2800 BC से आपका 2500 BC। ठीक है, यही पूछा गया था मिलाने के फॉर्म में, बिल्कुल एजर्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ये सामने ये थे और डेट्स ऊपर नीचे थी, और आपको टिक करना था किसने कौन कहा है। ठीक है, ये तो हो गया विद्वानों में जो मतभेद है कि कोई विद्वान कोई डेट मानता है और कोई विद्वान कुछ और को बताता है, परंतु सर्ववान या सर्वाधिक प्रमाणित तिथि किसको माना जाए, तो वो है कार्बन C14 को। तो यहां लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, सर्वाधिक, या इसकी ऐसा लिखेंगे आप, यहां से क्या लिखोगे, परंतु सर्वाधिक प्रमाणित, परंतु सर्वाधिक प्रमाणित तिथि कार्बन 14 की मानी जाती है, कार्बन 14 की 2350 से 1750 BC मानी जाती है, मानी जाती है। ठीक, तो ये हो गया सिंधु सभ्यता में काल निर्धारण को लेकर मतभेद। तो ये मतभेद ये है कि कुछ विचार विद्वान ये डेट बताते हैं, और प्रमाणिक विधि ये भी पूछा गया है, सर्वाधिक सर्वाधिक प्रमाणित तिथि किसको माना जाता है, तो सी कार्बन 14 को माना जाता है, सर्वाधिक प्रमाणित तिथि तो सी 14 को 2350 से लेके 1750 मानी जाती है। अब एक और आपको रखना है, सिंधु सभ्यता के निर्माता में भी मतभेद है, या क्या मतभेद है, कोई कहते हैं ये आपके भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आए हैं, कोई कहते हैं मंगोलाइड है, अल्पाइन है, तो क्या है इस भी आप लिख लें। और सर्वा जैसे यहाँ लिखा हमने सर्वाधिक प्रमाणित तिथि, तो वैसे वहाँ भी लिखेंगे सर्वाधिक प्रमाणित मत क्या है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो कहाँ के हैं। ठीक, तो आप अगला हेडिंग इसके बाद ये लिख लिया आपने,
सभ्यता के निर्माताओं, और यहां लिखेंगे नीचे विद्वानों में मतभेद, विद्वानों में मतभेद ना लिखें, यहां लिखेंगे हाँ विद्वानों में मतभेद लिख सकते, विद्वानों में मतभेद विद्वान है, मतभेद क्या है विद्वान है। अब जो अध्ययन हुआ है वो नरकंकालों के आधार पर क्या हुआ है, अध्ययन हुआ है, तो आप लिखेंगे सिद्धू सभ्यता से प्राप्त नरकंकालों के अध्ययन से प्राप्त जानकारी, क्या लिखेंगे आप इसके बाद, सिंधु सभ्यता में, सिंधु सभ्यता से प्राप्त नर कंकालों के अध्ययन से प्राप्त विविध तत्व या विविध प्रजातियां से प्राप्त विविध प्रजातियां, कौन कौन सी प्रजातियां मिली हैं उनके बारे में हम लिखते हैं। पहली जो देखने को मिली है वो बोली है आपके प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक, सिंधु क्षेत्र में आने वाली प्रथम जाति जो मध्य भारत से आई, यहां लिखेंगे सिंधु सभ्यता में आने वाली प्रथम जाति जो मध्य भारत से आई, ठीक, ये हो गया प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। अब है भूमध्य सागरीय, क्या है आपकी भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय से आने वाली को क्या बोला गया, यही सर्वमान्य मत है, यहां लिख लें आप सर्वमान्य मत यही है, सर्वमान्य मत है, और इसी को बोला जाता है कि ये जो है वो दक्षिण भारत के द्रविड़ियन है, सर्वमान्य मत है, यहां लिख लो आप दक्षिण भारत के द्रविड़ियन। तो पूछा जाता है सिंधु सभ्यता के लोग कौन है, तो आपने टिक किया होंगे द्रविड़ियन है, ठीक है, ये हो गए आपके दो। अब आपको लिखना है इसके बाद, ठीक है, भूमध्य सागर ये सर्वमान्य मत है, दक्षिण भारत के द्रविड़ियन या दक्षिण भारत में पाई जाती, दक्षिण भारत में पाई जाने जाती है, ठीक। अब आपको लिखना है अल्पाइन, अल्पाइन के लिए ये लोग कहते हैं कि मध्य गंगा व निम्न गंगा क्षेत्र से, मध्य गंगा और निम्न गंगा, निम्न गंगा क्षेत्र से आए, यहां कह रहे हैं कि दक्षिण भारत से आए हैं और यहां मध्य भारत से। अब बचे आपके मंगोलाइड, मंगोलाइड को लिए कहा गया है कि उप हिमालय क्षेत्र से, क्या कहा गया है, उप हिमालय क्षेत्र से। तो यहां भी क्या है, मतभेद है, कोई कह रहा है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति के हैं, कोई कह रहा है भूमध्य सागरीय प्रजाति के हैं, कोई अल्पाइन, कोई मंगोलाइड, है ना। यहां कहा जा रहा है कि मध्य भारत से आई है, ठीक है ना, मध्य भारत आप जानते हैं वो पांच देश, फिर कोई कह रहा है कि दक्षिण जो आपके भूमध्य सागर से है और जो दक्षिण भारत में पाई जाती है वहां से आई है इसलिए, और सर्वमान्य मत क्या है, सर्वमान्य मत जो है वो जो है कि दक्षिण भारत से आई है और इसको ही क्या बोला जा रहा है, द्रविड़ियन, ठीक।
अल्पाइन है बोला जा रहा है, मध्य गंगा और निम्न गंगा से आई है, मंगोलाइड से उप हिमालय क्षेत्र से आई है, यानी जो भी जितने लोग आए हैं सब कहाँ से हैं, सब भारतीय उपमहाद्वीप से हैं, ठीक है। और सर्वमान्य मत की बात पूछी जाए तो वो कौन है, द्रविड़ियन है, यानी भूमध्य सागरीय प्रजाति के हैं। अब कुछ विद्वानों का मतभेद अभी और है, कुछ कहते हैं दस्यु या दास थे, ठीक है ना, कुछ कहते हैं कि ये आर्य थे, और कुछ कहते हैं द्रविड़ियन थे, ठीक है ना, तो इस पर भी, और कुछ कहते हैं जो विदेशी राइटर हैं वो कहते हैं कि सुमेरियन है, तो आप ये और लिख लें विद्वानों में मतभेद कौन क्या कहता है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं कि द्रविड़ियन का समर्थक कौन कौन से लेखक हैं या विद्वान हैं। आप लिखें व्हीलर, आप लिखें मॉन्टीवर व्हीलर लिखें पहले, मॉन्टीमर वी व्हीलर हुए, ये कहते हैं मॉन्टीवर व्हीलर, इन्हें दस्यु या दास कहते हैं, क्या कहते हैं इन्हें, इन्हें दास कहते हैं, कि जो सिंधु सभ्यता के इन्हें दास कहते हैं या दस्यु, ठीक। और डॉक्टर लक्ष्मण सरू इन्हें आर्य कहते हैं, कि ये आर्य है, डॉक्टर लक्ष्मण सरू क्या कहते हैं, आर्य, आर्य कह दिया। और राखल दास बनर्जी इन्हें द्रविड़ियन कहते हैं, राखल दास बनर्जी इन्हें क्या कहते हैं, द्रविड़ियन कहते हैं, द्रविड़ियन यानी जो आपके भूमध्य सागर ये वाली प्रजाति है उसको क्या कह रहे हैं लोग, द्रविड़ियन कह रहे हैं, ठीक है, द्रविड़ियन। और इसके बाद जो बचे हैं आपके गार्डन चाइल्ड हुए और आपके व्हीलर महोदय हुए, ये लोग इसको सुमेरियन भी कहते हैं, यानी गार्डन चाइल्ड वगैरह इनको सुमेरियन कहते हैं, यानी विदेशी कहते हैं, ठीक है। तो ये चाहो तो आप नोट में एक दो पॉइंट और लिख लें। और सर्वमान्य मत से जो सिंधु सभ्यता के लोग हैं वो हैं आपके द्रविड़ियन, ठीक। एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि किस प्रजाति के हैं, तो भूमध्य सागरीय प्रजाति द्रविड़ियन के हैं, और सर्वमान्य तिथि कौन सी है, वो आपकी है C14, यानी कार्बन तिथि को ही सर्वमान्य तिथि माना जाता है। उसी प्रकार विद्वानों में मतभेद अपनी जगह है, और सर्वमान्य मत क्या है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो द्रविड़ियन है, क्लियर। अब दो नोट में फैक्ट्स और लिख, चाहो तो लिख लो, या कुछ महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं जो आपके 7 नगरों की संज्ञा दी गई है, और कुछ महत्वपूर्ण स्थल है इनके बारे में हमें पढ़ना है, तो पहले हम उन महत्वपूर्ण स्थलों को और लिखा दे रहे हैं, और कल हम आपको सीधा आपको उन महत्वपूर्ण स्थलों को पढ़ाना चालू कर देंगे। तो आप हेडिंग डाल लें महत्वपूर्ण स्थल एवं विशेषताएं, महत्वपूर्ण स्थल एवं विशेषता, तो पहले वो 7 नगर लिखेंगे आप जो महत्वपूर्ण स्थल में आते हैं, और फिर लिखोगे आप अन्य, अन्य स्थल या अन्य महत्वपूर्ण स्थल भी लिखेंगे, अन्य महत्वपूर्ण स्थल, ठीक है। और यहाँ है आपके नगरों की संख्या जो है वो है आपकी 7, पहला है हड़प्पा, फिर मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो के बाद आप लिखेंगे लोथल या चंदहुदड़ो, चंदहुदड़ो लोथल, धौलावीरा, कालीबंगा, और आपका बस्ता है बनावली, ठीक।
ये हम सातों को पहले डिटेल से पढ़ेंगे और इसके बाद कुछ अन्य तथ्य हैं जो आपके उसको भी अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को भी पढ़ेंगे। लेक्चर बड़ा हो रहा है इसलिए हम इसको कल ही प्रारंभ करेंगे, हड़प्पा और मोहन जोदड़ो और आपके जो पहले इन सातों को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद हम आपके अन्य महत्वपूर्ण स्थलों को क्लियर करेंगे और मानचित्र पर भी कुछ स्थल जो हम लिखा देंगे या इसके शुरुआत में ही आपको डायग्राम में ही कुछ स्थल आपको लिखा देंगे जिसमें महत्वपूर्ण स्थल भी होंगे और मोहन जोदड़ो वगैरह भी होंगे। तो शुरुआत में हम पहले एक डायग्राम में आपको ये स्थल क्लियर कर देंगे, इसके बाद फिर हम इनको पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। आज के लिए धन्यवाद।